मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला नानी दुर्गापुर में जेबीटी पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जिला फतेहाबाद और राज्य जो है वो हरियाणा है। वे कौन सा क्षण था जब बच्चों को पढ़ाते समय आपको एक नवाचार की आवश्यकता महसूस हुई? कृपया आप अपने नवाचार के बारे में दो पंक्तियां बताने का कष्ट करें। पढ़ाते समय बच्चों को कई बार महसूस किया कि जो चीजें हम पुराने तरीकों से जिस तरीके से पढ़ा रहे थे बच्चों को बता रहे थे वो चीजें बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए हम कुछ खुद अपने आप से ही कई बार चीजें जो है जो व्यवहारिक जीवन में हमारे डेली हम यूज करते हैं उनको लेके बच्चों के साथ कुछ क्रियाकलाप करते थे और उससे देखते थे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं उन चीजों में। और फिर जो है हमारे यहाँ जो पास में क्लस्टर में ही अरविंदो सोसाइटी की तरफ से जो एक वर्कशॉप लगी तो उसमें इन चीजों के बारे में और ज्यादा हमें उत्सुकता हुई और उसके बारे में एनकरेज किया उन्होंने उन चीजों से और वहां पर कुछ नए नवाचार जो है हमें मिले सुनने को और उनको हमने जो है अपने स्कूल में अप्लाई किया अपने बच्चों के साथ। उससे हमारे रिजल्ट्स भी हैं कुछ अच्छे पॉजिटिव आने लगे, मतलब उसमें रुझान जो है बच्चों का बहुत अच्छा था। और हमने जो है हमारी पाठशाला मैंने एक दो बच्चों की उपस्थिति को लेके एक नवाचार में जो इनोवेशन थोड़ा बच्चों को जो बच्चे बाहर चले जाते थे उनके ऊपर काम किया बच्चों के लिए और उसमें बड़ा हमें सफलता मिली। और एक जो है बच्चों के लिए हमें जोड़ घटा के लिए वो एक कली जोड़ वो उसके ऊपर भी हमने बच्चों को जो जोड़ घटा और इकाई दाई की ज्ञान के लिए जो है वो बड़ा लाभदायक है। उसके आपके अनुसार आपके नवाचार में क्या नवीनता है? नवाचार में नवीनता नवाचार वही है जिसमें कुछ नवीनता हो और नवीनता यही है कि बच्चे जो है एक खेल के रूप में शिक्षा को जो है वो उनके लिए मतलब पढ़ना कोई बोझ नहीं वो खेल खेल में ही उसको बड़े आसानी से जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं जो मतलब अपने जीवन के अंदर वो देखते हैं व्यवहारिक जीवन में उससे जो है वो सीख पाते हैं धीरे धीरे। आपने कब महसूस किया कि आपके नवाचार ने छात्रों में सफलतापूर्वक परिवर्तन ला दिया है? जब हमने एक तो जो उपस्थिति को लेकर जो नवाचार हमने किया था उसमें हमने बच्चों को मिड डे मील जो बच्चे बाहर चले जाते थे मजदूरी के लिए और एक एक महीना दो दो महीना वो स्कूल से अनुपस्थित रहते थे तो उनके लिए हमने जो है मिड डे मील हमने मॉर्निंग में जल्दी अरेंज किया और फिर जब जाते हुए उन्हें दो टाइम हमने खाने का व्यवस्था की और उनके जब माँ बाप से बात की और उस बारे में तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जहाँ हमारे पहले स्कूल से 20-20 बच्चे जो है बाहर चले जाते थे अब उस इस सेशन में जो सिर्फ 2 या 3 बच्चे हमारे स्कूल से बाहर गए हैं तो वो हमारी प्रेजेंस जो है बच्चों की स्कूल में वो बढ़ी है। वैसे भी यूजुअली भी जो बच्चे पहले एबसेंट ज़्यादा रहते थे अब वो प्रेजेंट रहने लगे हैं तो हमारे स्कूल की जो उपस्थिति है बच्चों की वो बढ़ गई है। ओके, थैंक यू सर।